हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बाबा एंड आज जो हम टॉपिक करेंगे वो मॉड्यूल टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग में से है जो कि टी वाई बी कॉम का यू नो सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट मार्केटिंग उसके सेकेंड मॉड्यूल में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो फॉरश डिस्ट्रीब्यूशन sure की बात होगी ना ठीक है जो एक्सपोर्टर होता है जब वो एक्सपोर्ट करता है तो वो किस तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वाट आर दी फैक्टर्स दैट मे बी इन्फ्लुएंसिंग और यू नो दैट मे बी दैट मे गेट इन्फ्लुएंस थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सो वट आर द मेन फैक्टर्स सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वॉट डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग वेन यू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल राइट अब जब मूविंग की बात हम करें तो कहाँ से मूव होगा इट विल मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पन राइट right? देख लेते हैं मीनिंग जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स थ्रू विच गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पन ओके अब एक्सपोर्टर जो है वो कंसीडर कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू टू वेज इट मे बी डायरेक्ट चैनल और इट मे बी इनडायरेक्ट चैनल ठीक है तो बेटर अप्रोच के लिए वो क्या करेगा ही विल स्टार्ट के अपना फ़ाइनल बायर तक का जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरीके से पहुंच सकता है ठीक है तो वो बहुत ही अप्रोप्रिएटली बहुत ही इफ़ेक्टिवली ये जानेगा कि सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है कि मुझे मेरे फाइनल बायर तक का मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाना है ऑल राइट तो सबसे पहला जो यू नो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा वो है मेरा कस्टमर कैरेक्टरस्टिक्स अब कस्टमर कैरेक्टरस्टिक्स एक्सपोर्टर क्या देखेगा वो ये देखेगा कि अगर तो मेरे कस्टमर्स बहुत ही लार्ज है ठीक है बहुत ज़्यादा है हर जगह पर यू you नो know, बसे हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में तो मैं क्या करूँगी उन अलग अलग कंट्रीज़ तक तो हम पहुँच नहीं सकते हैं तो कस् एक्सपोर्ट फॉर्म क्या करेगा ही विल सिलेक्ट एन इनडायरेक्ट चैनल ओके सो दैट ही कैन यू नो रिच टू द कस्टमर्स इन डिफरेंट मार्केट और राइट नाउ इन द केस इफ़ माई कस्टमर्स आर फ्यू कस्टमर्स अगर बहुत ही कम है फ्यू है ठीक है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉर्म क्या करेंगे डायरेक्टली सर्व कर सकता है तो वो कौन सा चैनल अपनाएगा ही विल एडोप और डायरेक्ट चैनल ठीक है तो किस तरीके से मेरे कस्टमर इफ दे आर लार्ज इट हैज़ टू बी इन डायरेक्ट चैनल इफ इट इज़ फ्यू इट हैज़ टू बी डायरेक्ट चैनल क्लियर नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है है ना जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का क्लास प्रोडक्ट के फीचर्स वो कितना यू नो सस्टेन कर सकता है उसका शेप साइज एक्सेट्रा अब फॉर एग्जाम्पल ले लो अगर तो लग्जरियस प्रोडक्ट है ठीक है लिबोगिनी है रोल्स रो है तो ये सब क्या है बहुत ही हाई प्राइस लग्जरियस आइटम्स है तो यहाँ पर एक्सपोर्टर क्या करेगा वो बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एडॉप्ट करेगा मतलब यू you नो know, एक या दो ही शोरूम्स रखेगा एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ में वो भी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में और राइट केस ओके ये तो मैंने लग्जरीस का एग्जाम्पल तो दिया था इन केस अगर वो एफ के ही प्रोडक्ट्स बेचता है तो यहाँ पर तो मेरे कस्टमर्स भाई हर जगह है उन लोग हर मतलब लाइक यू you नो know, देखें दिस कस्टमर्स आर दोस्त जो एफोर्ड कर सकते हैं गुड्स ख़रीदना तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट चैनल एडोप्ट कर सकती हूँ ठीक है वापस अगर तो पेरिशेबल आइटम्स है ठीक है तो वापस मेरा इनडायरेक्ट चैनल हो सकता है सिर्फ लग्जरियस आइटम में क्या होगा बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम होगा तो वो वाले प्रोडक्ट्स कौन से होंगे तुम्हारे डायरेक्ट कस्टमर्स ऑल राइट नेक्स्ट जो है वो है कंपनी प्रोफाइल कंपनी का इमेज क्या है कंपनी के पास में रिसोर्स कितने हैं ठीक है उसका कॉरपोरेट इमेज कैसा है उसके पास में रिसोर्स क्या क्या है वो एक अच्छे तरीके से जानना है जब हमने सिलेक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सपोर्टर के पास में यू you नो know, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सिस है तो वो क्या करेगा उसको यू नो इट हैव टू डिपेंड ऑन इंटरमीडियज ठीक है तो इंटरमीडियस को क्या करेगा वो इनडायरेक्ट चैनल अपनाएगा अगर इंटरमीडियस की मैंने बात कर लिया तो इनडायरेक्ट चैनल ओके अगर उसका ऑलरेडी इमेज बहुत अच्छा है रेप्यूटेड है ठीक है उसको कोई ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगा वो रेप्यूटेड डीलर्स को ही देगा कॉन्ट्रैक्ट और बोलेगा भाई तुम हमारे बिहाफ में बेच दो तो, लोगों को हमारा नाम ही काफ़ी है दैट्स एट है ना तो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा उतना अच्छा होता है अगर रिसोर्सेज बहुत ही कम है मतलब तुम्हारा यू you नो know, नाम कहीं पर नहीं है तो तुम्हें इंटरमीडिएट्स लगेंगे ताकि और तुम्हारी पब्लिसिटी हो सके सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी प्रोफाइल ऑल्सो देन कॉम्पिटिटर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटी मेरा कॉम्पिटिटर कौन सा चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है अगर तो एक्सपोर्टर्स यू नो एफ एम सी जी प्रोडक्ट नॉर्मली मैंने कहा है हमेशा मैं बोलती जा रही हूँ कस्टमर कैरेटरस्टिक में भी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक में भी कि अगर एफ एम सी जी प्रोडक्ट है कस्टमर अगर इनडायरेक्ट ले या ना ले ठीक है पर मुझे क्या करना है इनडायरेक्ट ही करना है है ना पर अक्सर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं मार्केटर वही वाला चैनल यूज़ करता है जो उसके कॉम्पिटिटर यूज़ करते हैं नेक्स्ट एरिया कवरेज है Next, coverage, ना एक्सपोर्ट फॉर्म हैज टू ऑल्सो कंसिडर द एरिया कवरेज है ना सी इफ एन एक्सपोर्ट फॉम एक्सपोर्ट्स इन ओनली वन और टू यू नो कंट्रीज तो यहाँ पे क्या है उसके पास में बहुत ही छोट मतलब लाइक छोटे नहीं मतलब बहुत ही कम कस्टमर्स है तो so, यहाँ पे कम कस्टमर मतलब डायरेक्ट चैनल बहुत ज़्यादा उसके कस्टमर्स है तो इनडायरेक्ट चैनल ईजी है ठीक है तो एरिया कवरेज ज़्यादा है बहुत सारी कंट्रीज़ में है तो क्या होगा इनडायरेक्ट ठीक है कम कंट्रीज में है तो डायरेक्ट ऑल राइट नेक्स्ट इज योर मिडल मैन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना द एजेंट्स ओके सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडल मैन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट द कंपनी हैज सो मच ऑफ रिसोर्स अवॉर्ड क्या वो डिपेंड कर सकता है द स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एजेंट ओके हाउ विल द एजेंट सेल द यू नो प्रोडक्ट्स एक पर अटकेला एजेंट सेल कर सकता है क्या वेयर हाउस में शोरूम्स में डिलीवरी व्हीकल्स एक्सेट्रा तो यहाँ पे क्या होगा कि डिपेंड करता है कि हमारा एजेंट किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन मेरे इकोनॉमिक कंडीशन अलग होगा जो कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अलग हो सकता है है ना तो वो डिपेंड करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल सी अगर तो रेडीमेड गारमेंट्स मुझे सेल करना है एंड वो भी रिसेशन के टाइम पर तो गारमेंट एक्सपोर्टर क्या कर सकता है वो ट्रेड फेयर्स में एग्जीबिशंस में यहाँ पर डायरेक्टली जाके अपने कस्टमर्स को क्या कर सकता है सामान बेच सकता है तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा यू you नो know, किस तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन है इट्स रिसेशन हो रहा है या यू नो इन्फ्लेशन हो रहा है डिपेंड्स है ना अगर तो तुम्हारी कंट्री में रिसेशन है तो तुम्हें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है तुम्हें अपने एजेंट्स को पुश कमीशन देना है ठीक है उन्हें कमीशन दो कि भाई हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं से निकाले ही निकाले तो मैं उसको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ आई एम प्रोवाइडिंग हिम अ पुश कमीशन क्लियर तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर फर्स्ट वॉज कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स दैन प्रोडक्ट देन कंपनी प्रोफाइल द कंपटीटर स्ट्रेटजी एरिया किस तरीके का है मिडिल मैन को अपॉइंट करना है अगर अपॉइंट किया ही है तो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से तो उसको भी एक्स्ट्रा कमीशन पे करना ही पड़ेगा राइट तो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक होप यू पीपल यू नो एन्जॉय इट और अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज़ थैंक यू